हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फ्रेंड ट्रेन में। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त यानी आज से एक और नई ट्रेन का तोहफा बिहार के वासियों को मिलने वाला है। 15 अगस्त से शुरू होगा जयनगर इंटरसिटी का परिचालन। मुजफ्फरपुर से पटना आने जाने वालों के लिए खुशखबरी। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुजफ्फरपुर से पटना आने जाने वालों के लिए खुशखबरी। 15 अगस्त से फिर चलने लगेगी जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। यात्रियों को पालन करना होगा कोविड का। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेल द्वारा 055490550 पटना जयनगर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 अगस्त से अगली सूचना तक करने का आदेश दिया गया है। हालांकि फिर ट्रेन से यात्रा करने के दौरान यात्रियों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल को मानना होगा। ट्रेन शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष सभी दिनों को जयनगर स्टेशन से 5:25 पे प्रस्थान कर 1:30 पे पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 0550 पटना जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल बनकर शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष सभी दिनों में पटना से 3:25 पे प्रस्थान करके रात के 9:40 पे जयनगर पहुंच जाएगी। यह स्पेशल ट्रेन अप एवं डाउन दिशा में मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भगवानपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र स्टेशन पर रुकेगी। यात्री ट्रेन परिचालन से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए 139 पर डायल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये गाड़ी स्टार्ट की जा चुकी है 15 अगस्त से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों की लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती है और हमें ऐसी ही और नई वीडियोस का बनाने का मौका मिलता है। दोस्तों अगर आपने मेरे व्लॉग नहीं देखे हैं ट्रेन के तो आप मेरे चैनल पर जाकर व्लॉग भी देख सकते हैं। मिलते हैं किसी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।